बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने घर का काम संभालती हैं, गायें भैंसे ये सब, यू नो ऑल ऑफ दिस दे सी, बट यहाँ पे द वे आई सॉ वेमेन टेकिंग फुल कंट्रोल ओवर द हाउस होल्ड, समटाइम्स ही इज नॉन सीरियस, कोई बहुत सीरियस भी बात चल रही होगी तो हिज एटीट्यूड भी ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अरे चलता है, सो दैट्स एंड यू आर वेरी सीरियस, यू नो लाइक यू आर स्ट्रेस, देयर इज सम सिचुएशन, ही इज वेरी लाइक हाँ कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा, हो जाना, सो दैट इज अनोइंग. ड्रॉप लगा लो एपी सिद्धू एंड करण औजला, सो मतलब कहाँ से कहाँ चला गया, म्यूजिक भी और फिल्में भी जाएंगी. स्टेज तक मैं तेरा बुढ़ा ला दूँ. बुढ़ा नहीं तेरा प्यो. हाँ प्यो तो चल मैं वह था, वैसे मतलब हार्ड कोर पंजाबी बोल रहे हैं, और स्टेज तक मैं तेरा बुढ़ा ला दूँ, नाम है शहनशाह. This is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with the gorgeous Sonam Bajwa and super talented and amazing Ami Virk. So nice to have you. Thank you so much. बहुत ही प्यारा fun सा trailer था. काफ़ी मज़ा आया देखने. And सबसे पहले I want to ask that कभी प्यार में आप दोनों ने कभी इतने पापड़ बेले हैं एक दूसरे किसी के लिए life में? Yeah, obviously. Everyone has to, I think so. तो ये तो ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं चीज़ें कुछ प्यार के लिए, अदरवाइज़ वो साबित ही नहीं होता, अदरवाइज़ लगते नहीं भी ये प्यार कर रहा है मुझे, या लड़की के मोटिव्स हैं दोनों के, आई थिंक सो करने भी चाहिए और हो भी जाते हैं, मल्लोमली हो जाते हैं, मतलब अगर आप ना भी चाहो तो मतलब ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो नेचुरल नहीं होती, जो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं, जो एलियंस करते हैं वैसी चीज़ें, आशिक वैसी चीज़ें कर जाते हैं कई बार दुनिया में. बाकी सोनम जी आपको बताएंगे इन्होंने क्या किया या इनके लिए किसने क्या किया. सो शी विल लेट यू नो. नहीं, प्यार में एफर्ट्स तो होने चाहिए ये मुझे लगता है. आई मीन लव इज़ अ फीलिंग, ओके, बट देयर शुड डेफिनेटली बी एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक या आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई हैव पुट इन एफर्ट्स. सो या आई हैव, मैंने भी थोड़ी बहुत, मिल जाता है उसके बाद ज्यादा एफर्ट शुरू होते हैं. अच्छा, शादी के बाद उससे भी ज्यादा शुरू हो जाते हैं, बच्चों के बाद उससे भी ज्यादा शुरू हो जाते हैं, एफर्ट है लाइफ ही मैम ये. फिर बोरिंग हो जाएगा ना अगर आप एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो. बिल्कुल, स्पार्क रहने के लिए कुछ तो करना जरूरी है. खुफियां दिन भर एकाध करो, लड़ो झगड़ो फिर सेट हो जाओ, ये चलते हैं. यू नो ये फिल्म की खास बात ये है कि दो कल्चर्स मिल रहे हैं, हरियाणवी और पंजाबी. इस प्रोसेस में आपने कुछ डिस्कवर किया है कि यार ये मुझे नहीं पता था इस कल्चर के बारे में और मुझे पता चली है? और छोटी छोटी बातें भी हैं, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जैसे पंजाब में मतलब कुछ सर्टेन एरियाज हैं जिस पे मतलब जो भी मतलब तरी वाली सब्जी होती है, करी टाइप सब्जी होती है, कुछ भी उसको दाल बोल देते हैं. ये आलू मटरों की दाल है, ये दाल है, दाल है. पाकिस्तान सॉरी हरियाणा में उसको साग बोलते हैं हर चीज़ को ऑलमोस्ट. जैसे वो सेब की सब्जी है उसको भी साग बोल देते हैं, वो हमने पहली बार सुना था. तो हमारी फिल्म में भी एक डायलॉग है सुना महावीर सर का डायलॉग. सो ये हमें चीज़ है, वो काफ़ी सब्जियों को मतलब वो साग बोल देते हैं. हमें तो सिर्फ पंजाब में साग तो सिर्फ सरसों का होता है. बिल्कुल. तो हरियाणा में हमें जितना मतलब बताया गया था वहाँ के लोगों के हिसाब से तो दे लाइक इसको साग बोल देते हैं हम सब सब्जियों को, ऑलमोस्ट थोड़ी सी सब्जियाँ जितनी. सो और भी काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट ब्लड सेम है, कल्चर सेम है, बिकॉज हरियाणा वाज ऑल्सो पंजाब लाइक बिफोर पार्टीशन यू नो. सो इतना मतलब डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शक्ल सूरत में है या आउटलुक में फ़र्क है या दिखने में, बाकी ब्लड सेम है, दिल सेम है, वही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है दोनों के. सो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, भाई बहन एक हिसाब से, लेकिन हमारी फिल्म में नहीं. अदरवाइज आपके लिए मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं हरियाणा में गई, उससे पहले आई डोंट थिंक सो मैं कभी गई होंगी. सो आई नोटिस लाइक दीज लिटिल थिंग्स दे हैव द वुमेन ऑफ द हाउस आर, ऐसा नहीं कि पंजाब में काम नहीं करती, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने घर का काम संभालती हैं, गायें भैंसे ये सब, यू नो ऑल ऑफ दिस दे सी, बट यहाँ पे द वे आई सॉ वेमेन टेकिंग फुल कंट्रोल ओवर द हाउस होल्ड, यू नो इट वॉज माइंड ब्लोइंग, लाइक माइंड ब्लोइंग. एंड दे ऑल्सो वन थिंग आई डिस्कवर्ड वॉज दैट इन फ्रंट ऑफ प्रीटी मच एवरी हाउस दे हैव अ हुक्का सेटअप. सो मेन वुड जस्ट सिट एंड हैव हुक्का और घूंघट, जो लेडीज हैं वो घर में घूंघट निकाल के रखती हैं अभी भी.
पंजाब में मैंने अभी तक जितना काम किया है, मैंने गांव में भी शूट किया है, तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिखा कि यू नो वेमेन हैव दिस घूंघट. 2005 से पहले था, अभी अच्छा नहीं, पहले था. पर यहाँ पर अभी काफी प्रोमिनेंटली अभी भी ये एग्जिस्ट करता है. पंजाब थोड़ा ज्यादा मॉडर्न हो गया, लेकिन वो अभी कल्चर है हरियाणा. अभी स्टिल दे आर डूइंग गुड थिंग्स. Yeah, so these are little things, but again, जिस तरह से हमें लगता है ना कि पंजाब के लोग बहुत दिलदार हैं एंड खुला जीते हैं. इवन हरियाणा दे आर वेरी वार्म, दे लव टू लिव लाइफ ग्रैंड एंड यू नो सो या फूड, दे इंजॉय फूड, दे इंजॉय फीडिंग अदर पीपल ऑल्सो. सो दैट्स फ्यू थिंग्स दैट आई सॉ दैट वॉज सिमिलर टू पंजाब. इवन पंजाबीज डू दैट, बहुत दिल खुल के वेलकम करते हैं, बहुत खिलाते पिलाते हैं. लाइक आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस दैट. बट यू नो दिस इज, आपने पहले भी कोलैबोरेट किया एक दूसरे के साथ काफ़ी बिफोर. एक कंफर्ट जोन आ गया है बाय द टाइम दिस फिल्म हैज कम, कि अभी तो यार सोनम मैमी इज लाइक एक दूसरे के यार. या अभी देखो पास में बैठ के बोल रहे, अब तो हम बोर हो गए एक दूसरे का काम कर करके. सो या ऑफ कोर्स देयर इज दैट कंफर्ट, बट आल्सो यू नो यू गेट अननॉयड आल्सो. Because आपको पता है कि अब ये क्या होने वाला है, यू नो सम सिचुएशन विल हैपन, यू जस्ट सो यू नो इट सो वेल कि अभी कैसा रिएक्शन आने वाला है. बट अगेन इट्स ऑलवेज ग्रेट फन टू वर्क विद फ्रेंड्स, इट्स गुड टू वर्क विद पीपल. एक तो होता ना कि कोई आपके फ्रेंड हैं और इसलिए आप उनके साथ इंजॉय करते हैं काम करना. मुझे ऐसा लगता है कि एमी सच अ फैबुलस एक्टर, तो मैं जब सीन भी परफॉर्म करती हूँ एमी के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू वर्क विद हिम, दो ही आई थिंक आई कैन प्रिडिक्ट हिम नाउ सो मच. एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल. व्हाट्स अनोइंग अबाउट हिम? अनोइंग इज फर्स्टली ही टॉक्स अ लॉट. सेकेंड इज दैट समटाइम्स ही इज नॉन सीरियस. कोई बहुत सीरियस भी बात चल रही होगी तो हिज एटीट्यूड भी ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अरे चलता है. सो दैट्स एंड यू आर वेरी सीरियस, यू नो लाइक यू आर स्ट्रेस दिस सम सिचुएशन, ही इज वेरी लाइक हाँ कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा, हो जाना. सो दैट इज अनोइंग टू मी. यू कैन टेल मी व्हाट अनोइज यू नाउ टू बैलेंस इट आउट? There are so many things. We don't have that much time. 15 minutes में जो जेडी है भी आई नो इट चीज़ ज़्यादा मैं दस नहीं सकता. So नहीं कोई मिन्नू ऐसा कुछ कोई नहीं लगती. Because मैं केयर भी नहीं करता जी होगी भी कोई ये दी ते because मिन्नू लगती नहीं. अगर मिन्नू लगती होगी मैं मुँह तो कह देना. और दसों दसों एकता दसों. नहीं इतना specially कुछ नहीं का. मतलब मिन्नू मैं उधर ना सफर नहीं ना करता उस चीज़ ना. जब मैं एक एक्स्ट्रा टेक भी मांगती हूँ ना तो ही ब्लैक सही तो पिछला वाला वधिया तो सी फिर एक टेक. अरे भाई एक्टर की खुद की सैटिस्फैक्शन भी तो होती है ना. नो 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 दैट्स द अदर थिंग. डायरेक्टर बैठा है, डायरेक्टर वाज लाइक इट्स ओके, आई एम इन फ्रंट ऑफ मिन्नू. पता भी कितना वधिया. मैं आपको एक बात बताता हूं, आई विल लेट यू नो वन थिंग. हम कई बार ना फोटो खींचते हैं, हम देखो पाउट बना के सेल्फी ले रहे होते हैं, वो अपने आप को इतने मतलब अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन लोगों को इतने फुद्दू लग रहे होते हैं. वी कांट इवन थिंक. सामने वाले बंदे को पता हो रहा होता है कि आप कैसे लग रहे हो. आपको हमने बताना है ना, आपको लड़कों ने देखना है, हम लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं. आपने ये माय माइंडसेट इन दैट टाइम इज दैट ओके, आई ऑलवेज चेक विद द डायरेक्टर इफ ही इज ओके. आई स्टिल से सर कैन आई स्टिल डू वन मोर टेक फॉर माय सैटिस्फैक्शन एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? तो मैम मना थोड़ी की था. हां मना की था, बट यू मेक फेसेस एट टाइम्स व्हिच इज नॉट गुड. मैंने कर दी झूठ मत. यू नो 2 मंथ्स बैक आई स्पोक टू गिप्पी सर, वो आए थे यहाँ पे जब अपने फिल्म प्रमोट करने के लिए बैक टू बैक. एंड इट्स सो गुड टू सी हाउ यू नो पंजाबी कल्चर इज लाइक स्प्रेडिंग. एंड हमें भी पता चल रहा है यहाँ कि यू नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग. एंड एक इंटेंशन है कहीं ना कहीं कि एक जैसे साउथ को हमने इतना एम्ब्रेस किया है, अब तो पंजाबी को भी पैन इंडिया बनाना है, उसको भी मैप पे लेके आना है. कंग्रेचुलेशंस, आपने 100 crore की फिल्म भी की थी, तो बॉक्स ऑफिस इज आल्सो नाउ बिकमिंग अ वेरी बिग डील. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग पंजाबी फिल्म्स? नॉट ओनली पैन इंडिया, विल बी इंटरनेशनल. या 101%. तो हमारे लोग ही मतलब इंटरनेशनली बैठे हैं अभी. तो पैन इंडिया तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन बाहर पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं. सो अभी हमारी फिल्म के अगर आप नंबर्स की बात करो तो ऑलमोस्ट 65-70% ओवरसीज का है, और लाइक 30-35% 40% इंडिया है. सो तो इंटरनेशनल बनाना है. तो वी आर ट्राइंग बिकॉज लोगों को मतलब बाहर गोरों को भी पता चल रहा है अभी कौन है पंजाबी या सरदार कहाँ से हैं.
तो अच्छा लगता है। और अभी हमें जो सत्कार मिल रहा है, जैसे दिलजीत भाजी का आप देखो ना, लाइक कहाँ थे, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं लुधियाना के छोटे से गांव से लेके आप अभी देख लो, मतलब स्टेडियम सेलेक्ट करे उन्होंने, आने वाले समय में ऑस्कर में भी, ग्रैमी में भी, सब जगह जाएंगे वो जी। एक आध साल में पता चल जाएगा आपको 101%। तो उसके बाद जो पंजाबी आर्टिस्ट और भी हैं, जो मतलब शुभ लगा लो, एपी सिद्धू एंड करण औजला, सो मतलब कहाँ से कहाँ चला गया, म्यूजिक भी और फिल्में भी जाएंगी बाबा शुक्र के। सो एक सर्टिन चीज़ें सोच के नहीं हो रहे, मतलब ये अगर इस फिल्म की आप सर्टिन बात करो तो इसमें मतलब मल्टी लैंग्वेज है, मतलब हरियाणवी और पंजाबी दोनों बोली गई हैं। सो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल फिल्म है, तो पूरा इंडिया इस फिल्म को देख सकता है और समझ सकता है, उनको ये पता मतलब समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ हार्ड कोर पंजाबी बोली है या हार्ड कोर हरियाणवी है, वो आपको समझ आने वाली चीज़ें हैं। जैसे हमें इंग्लिश सवा नहीं आती, मतलब 2-4-5 अक्षर आते हैं हमें, तो हमें हम भी इंग्लिश फिल्में देख लेते हैं। मैं रात भी देख के आया हूँ, मेरे को समझ आई है क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या हो रहा है। बस वैसे ही आपको अगर जाओगे आप फिल्म देखने तो आपको समझ लग जाएगी भी क्या बोलना चाहते हैं, फीलिंग आप हमारी शक्लों से। सो आप सारे जने जाके देखो फिल्म, आपको पसंद आएगी 101%। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट ये भी पूछ रहे हैं दैट बॉलीवुड में क्या प्लान्स है आपके, आई एम श्योर आपने काफ़ी इसको आंसर किया होगा, बट हमने देखा है जैसे आपने रणवीर सिंह के साथ काम किया है, अक्षय पाजी के साथ भी, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ है, सोनम, पीपल आर लविंग यू एंड दे आर जस्ट सो क्रेजी अबाउट यू। आज ही मैंने बताया मैं सोनम बाजा के साथ इंटरव्यू, मुझे इतने मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकती हूँ, मतलब वो हो गया। तो How are you kind of, you one know, thing to understand, instant this? Bollywood makes the best reel for me. मेरे चैनल बहुत मुझे लगता है। जेड़ा भी बनाऊंगा या thank you so much. तो बड़ा बढ़िया लगता है देख के, thank you. तो मेरा तो देखो कोई ना, मैंने अभी पंजाबी में कुछ प्लान किया है मुझे क्या करना है, ना मैंने प्लान किया हिंदी में करना है, बट मुझे अच्छा काम करना है और अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हिंदी में काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे साउथ भी करने का मौका मिलेगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट अच्छा काम करना है। सो एंड हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि आपको वाइडर ऑडियंस मिले, आपको और लोग जाने और आपका काम देखें, सो वो सपना मेरा भी है। सो आई वुड लव टू वर्क वेन एवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन वर्क। जितने भी बंदे, ऑलमोस्ट तो 90% लोग तो पंजाबी हैं यहाँ पे भी लाइन में, ऑलमोस्ट यहाँ किसी के बैकग्राउंड या दादाजी पंजाब से हैं या किसी की मतलब मदर साइड पंजाब से हैं, सो ऑलमोस्ट हर बंदा पंजाबी है। विक्की पाजी के साथ आ रही है फिल्म, वो तो सारी फैमिली पंजाबी है, राइट, हुशियारपुर से हैं वो, और अक्षय पाजी भी पंजाबी हैं, उनके साथ काम किया है, खेल खेल में उनके साथ फिल्म आ रही है, उससे पहले अजय सर हैं उनकी फैमिली भी पंजाबी है, अजय देवगन सर, और रणवीर वो भी आधा पंजाबी है, वो मतलब रणवीर सिंह इज लाइक वो इंटरनेशनल बंदा है वो, मतलब वो हर बंदों को अपना लगता है वो, मतलब इतना एनर्जेटिक बंदा यार, सबसे पॉजिटिव, और उस बंदे ने हमारे मुल्क का नाम रोशन करना है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मतलब इंटरनेशनली हॉलीवुड में हर जगह ही इज द ओनली वन, मतलब बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वन ऑफ द बेस्ट गाय आई हैव एवर मेट। मैंने जब इंटरव्यू किया था उनका तो वो मार्शल अपने शोल्डर पे पॉप करके एंटर होते हैं एंड आई एम दैट इज रणवीर सिंह फॉर यू, ही इज रियली रियली गुड। या यू नो आई आल्सो हैव टू आस्क सोयम, देयर वाज दिस ब्लू ड्रेस यू वोर एट द रेड कार्पेट व्हिच वेंट वायरल, यू मेक स्टेटमेंट्स विद योर फैशन, विद योर फिटनेस, विद योर रील्स, विद योर इंस्टाग्राम, ये फ्लो फ्लो में हुआ है, आर यू रियलाइजिंग, बिकॉज नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट व्हाट यू डू, यू नो व्हाट यू आर वेयरिंग एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हाउ डू यू परसीव दिस? मैंने ऐसा सोचा नहीं, आपको पता है मैं अभी आपसे पहले किसी को बता रही थी कि पंजाब में ना हम आर्टिस्ट को ऐसे कोई बहुत बड़ा एंटरेज टीम नहीं मिलती, तो आप बहुत सारी चीज़ें यू एंड अप डूइंग इट योर सेल्फ, और मुझे लगता है आप जब अपने लिए कुछ करते हैं ना तो इट्स वेरी, इट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन, इट्स ऑर्गेनिक, and that's what I have done for myself. I mean, I don't have a team of stylists or you know all of that. Whatever I feel like at that moment, I do it and I do it because I like it. तो मैंने ऐसे ही पहना था, मुझे कोई plan नहीं था. I am glad कि लोगों को अच्छा लगा, और सोच के मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ कुछ भी, या सोच के नहीं करती. सोशल मीडिया की भी आप बात करें तो इतना आज से कुछ टाइम पहले इतना ऐसे कोई टीम में नहीं है कि भाई हमारे लिए कोई फ़ोटो खींच रहा है और हम उसे पोस्ट कर रहे हैं. आपको जो अच्छा लगता है, मुझे जो गाने अच्छे लगते थे तो मैंने उस पर अपनी रील बना दी, और वो एक, और मुझे आता ही वो है शूट ही वो करना आता है अपने लिए कि स्लो मोशन पे किया, बिकॉज आई डोंट हैव अ टीम टू डू दैट फॉर नाउ. सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट पीपल लाइक इट एंड पीपल लव मी एंड दैट्स वॉट एक्चुअली पुशेज मी टू डू बेटर. एंड आई जस्ट आई एम माई सेल्फ, आई मीन सूट पहनती हूँ उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, ऐसे भी कुछ पहनती हूँ तो अच्छा लगता है. अमेजिंग. एक छोटा सा सेगमेंट है बिफोर आई एंड द इंटरव्यू जहाँ पे मैं कुछ
पॉपुलर बॉलीवुड डायलॉग्स लाए हूं एंड यू हैव टू टेल मी इन पंजाबी. अच्छा ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट करना है. ठीक है. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. बड़े बड़े शहर हैं जहाँ निक्की निक्की गल्ला होती हैं इंडिया वीर. आगे चलो. क्या वाज ही टॉकिंग टू फास्ट? आई डिडंट गेट द लास्ट. मैं कहा बड़े बड़े शहरों के विच आ निक्की मोटी गल्ला होती रहती हैं. ओके ऑलराइट. बाबू मोशाई जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए. सुनो बाबू मोशाई ने हुन पंजाबी च कीवें बाबू मोशाई तो ऐदी पंजाबी बोलदे ओ बब्बू मोशाई. बब्बू पंजाब में ना बहुत लोगों का नाम बब्बू होता है. मेरा छोटा नाम है. वाह हिज निकनेम इज बब्बू. ओह माय गॉड बब्बू मोशाई. बब्बू जिंदगी ना क्या है डायलॉग? जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए. अच्छा बब्बू मोशाई जिंदगी ना ज्यादा लंबी नहीं वड्डी होनी चाहिए. एक्चुअली अभी ये हां इसको करेक्ट करो. जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. हां जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी लंबी. मैं ठीक ट्रांसलेशन की थी. हां ओके. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है शहंशाह. रिश्ते जिता मैं तेरा बुढ़ा ला दूं. बुढ़ा नहीं तेरा प्यो. हां प्यो तो चल मैं वैसे वैसे मतलब हार्डकोर पंजाबी बोल रहा हूं. और रिश्ते जिता मैं तेरा बुढ़ा ला दूं. नाम है शहंशाह. हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. गल सुनो मैं जिथे खड़ी हुनी है ना लैंड ते उथों ही शुरू हो. मेरे पास माँ है. बड़ी बड़ी चीज मेरे को माँ है. सारे को माँ है. माँ तो फिर माँ है. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. बसंती इन्ना कुत्ते आगे ना नची. आगे ना नची. जो मर्जी हो जाए इन्ना कुत्ते आगे ना नची. एंड लास्टली एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता. जो एक बारी मैं कहता तो कहता फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता. Awesome. Thank you so much. All the very best. सारे प्यार प्रिय सासिकाल सजनों मैं जी एमी वेट. लाइक एंड सब्सक्राइब इंस्टेंट बॉलीवुड. Hi everyone. This is Sonam. You're watching me on Instant Bollywood. Please do like, share and subscribe the channel.